हेलो स्टूडेंट्स मु अंतरजामी आज आम मैंने देखियो जामित्र गोटे नूतन अध्याय वृत्तर स्पर्शक एटा तुम तृतीय अध्याय एटा तुम एफ टू परीक्षा पई अति इंपोर्टेंट पाठटाए पुणी ता सहित एटा तुम मानक पई जामिति रे गोटे नुआ पाठ तुम या विषय पूर्व किसी जान नथिबो तो अति इंटरेस्टिंग पाठ चला आम शिखा ए पाठटा को देखा कौन अच्छे पाठ भितर तो प्रथम आम जाना जे गोटे सरल रेखा गोटे वृत्त को केतेटा बिंदु रे छेद करुछि एटा त माने पूर्वर नवम रे पढ़िथिलो तथापि आ माने आउ थरे देखिबा गोटे सरल रेखा एको वृत्त को दुई रु अधिक बिंदु रे छेद करिवो नाही ठीक अछि त आमे देखिबा जे गोटे वृत्त को गोटे सरल रेखा केतेटा बिंदु रे छेद करुछि तार कोन कोन परिस्थिति सृष्टि हेइ परुछि तीनटा वृत्त काटिबा अच्छा एठी गोटे को वृत्त नेली ठीक तापर या भलिया आउ गोटे वृत्त ये नेली ठीक आउ गोटे वृत्त या भलिया मु नेली ठीक एबे देखिबा आमे जे वृत्त को सरल रेखाटे केतेटा बिंदु रे छेद करुछि देखिबा देखो ए सरल रेखा नेबा देखिए केतेटा बिंदु रे छेद करिवो हेले तो ये ए वृत्त को आदौ छेद करिवो नाही सरल रेखाटा देखो कोडी ए सरल रेखाटा छेद कला कि नाही आउ गोटे जगह रे कोन हबो हेले तो ए सरल रेखाटा ताकू देख हेले तो ये सरल रेखाटा ताकू कौन कर गोटे वृत्त को दीटा बिंदु रे छेद कर गोटे बिंदु ये गोटे बिंदु नचे आउ कौन हो पार ना ताकू गोटे मात्र बिंदु रे छेद करतेटा परिस्थिति सृष्टि हम तो देख ये वृत्त तीन टा ने प्रथम क्षेत्र में कौन है सरल रेखाटा को याद छेद कला ना एमपर ना सरल रेखाटा दीटा बिंदु छेद कला एमपर कि सरल रेखा वृत्त केवल गोटे मात्र बिंदु छेद कला एम तीन टा अलग अलग परिस्थिति सृष्टि हो पार से ही लिखाई जे गोटे समतल वृत्त अंकन कलापर सरल रेखाटा ताकूटा परिस्थिति छेद करेद करपर सरल रेखाटी वृत्त को छेद जदि करनी आम कह सरल रेखा वृत्त सहित अणछेदी सरल रेखाटा जदि वृत्त को दुईट बिंदु छेद करुच्ची मुझे सरल रेखाटा वृत्तर गोटे छेदक रेखा सरल रेखाटा जदि वृत्त को गोटे मात्र बिंदु छेद करुच्ची मुझे से वृत्तर सी हूँ गोटे स्पर्शक तो ये गोटे जिनस आम जाना कौन आम जाना ना गोटे समतल अवस्थित एक वृत्त और एक सरल रेखार गोटे मात्र साधारण बिंदु व छेद बिंदु थिले उक्त सरल रेखा को वृत्तर एक स्पर्शक कहा जाए देखा कौन कौच से कौच गोटे समतल यहाँ गोटे समतल बिंदु मान समार रे गोटे कौन वृत्त अच्छी तार गोटे सरल रेखार गोटे मात्र साधारण बिंदु थी ये गोटे मुझे सरल रेखाटे अंकन कली देख ये सरल रेखार एवं ये वृत्तर गोटे मात्र साधारण बिंदु अच्छी ताहले मु कहिबि जे से साधारण बिंदुटा देखि जोटा जा सरल रेखाटा सी हूँ वृत्तर गोटे स्पर्शक सहज भाषा कह कौन ना वृत्त को गोटे मात्र बिंदु रे छेद कर सरल रेखा ताकू आम कह से गोटे स्पर्शक ठीक अच्छे किंतु आम देखा ये जो स्पर्शकटा ताकू जो गोटे ही बिंदु छेद कर स्पर्श करुच्ची गोटे अलग ना दिखाई ता ना हूँ स्पर्श बिंदु ठीक अच्छे वृत्त उपरिस्थ के बिंदु अच्छी किंतु ये गोटे बिंदु को ही सरल रेखाटा स्पर्श कर तेणु मुझे कहूँ ये गोटे स्पर्श बिंदु ठीक आउ गोटे तथ्य ये वृत्तर केन्द्र और स्पर्श बिंदु को जोग कर रेखाखंड को स्पर्श बिंदु गामी व्यासार्ध कहा जाए देख ये स्पर्श बिंदु रहा ये गोटे स्पर्शक एल वन गोटे स्पर्शक क्या स्पर्श कर वृत्त को सी स्पर्श कर वृत्त ये जो स्पर्श बिंदु रहा ना मन कर मुझे दे दूसरी ए स्पर्श बिंदु को आउ केन्द्र बिंदु को जोग कर रेखाखंड को मुझे स्पर्श बिंदु का व्यासार्ध देख वृत्त उपरिस्थ के गुटाए कौन बिंदु अच्छी प्रति बिंदु को मुझे यहाँ जोग करी तेल ये कौन हो गोटे गोटे व्यासार्ध हम किंतु स्पर्श बिंदु को जो व्यासार्धटा जोग कर स्पर्श बिंदु गामी व्यासार्ध ठीक अच्छे ठीक सेमी मुझे आउ गोटे वृत्त नेबी देखिया मु भाया आउ गोटे कौन ने वृत्त नेबी आउ गोटे वृत्त मुली अच्छा एवं देखा या गोटे सेमती सरल रेखाटे गोटे मात्र बिंदु रे छेद कर देखिए जाए तार कौन स्पर्श बिंदु गोटे स्पर्श बिंदु स्पर्श कर वृत्तर देख आम मैंने जानी कौन जी जानी वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दीटा बिंदु को जोग कर रेखाखंड आम कौन कहीदेपर जी कहीदेपर कितु ज्याटा जदि वृत्त उपरिस्थ कौन से गोटे बिंदु
एवं स्पर्श बिंदु को जोग करुथबोताहेले मुता कहबी से गोटे स्पर्श बिंदुगामी ज्या माने कौन ना से स्पर्श बिंदु को जोग कर वृत्त उपरीस्थ जेकोण गोटे बिंदु को जोग करुता कह स्पर्श बिंदुगामी ज्या ये आम मैंने जाने कौन कौन जाने ना स्पर्शक कौन जाने स्पर्श बिंदु कौन जाने स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध कौन जाने स्पर्श बिंदुगामी ज्या कौन आम मैंने जाने ये आग को देखा देख बर्तमान आम मैंने उपाद्य बाहर को जी उपाद्य जो बाहर अच्छे ये स्पर्शक आ स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध या आधार कर देखा कौन सी आमको प्रमाण कर गोटे वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब चित्र टे बुझे चेष्टा कौन कौन गोटे वृत्तर यहाँ गोटे वृत्त अच्छी वृत्तर ना दे दी आम ए बी सी वृत्त ए बी सी वृत्त को एल सरल देखा बोली गोटे अच्छी सी ताकू पी बिंदु रे छेद कर देख गोटे मात्र बिंदु रे छेद कला पी बिंदुटा अच्छा तापर से कौन कहूँ ना प्रमाण कर जे यार स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति ए स्पर्शकटा लंब यो स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध आम कौन पढ़ते ना स्पर्श बिंदु को आउ वृत्तर केन्द्र बिंदु को जोटा रेखाटा जो कर जो व्यासार्धटा ताकू ही कहे स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध से कहे स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्धटा ये जो स्पर्शक अच्छी एल स्पर्शक प्रति लंब माने 90 डिग्री कोण अंकन करुची अच्छा या पूर्व मु तुमको गोटे तथ्य कही था देख से तथ्यटा हूँ जे गोटे वृत्त जदि अच्छी तार स्पर्शक किसी गोटे अच्छी तेल गोटे वृत्त आ स्पर्शक स्पर्श बिंदु को छाड़ीदे गोटे सरल रेखा स्पर्शक उपरे जिते बिंदु रहिला से सब जगह वृत्तर बहिस्त बिंदु माने वृत्तर बहिर्देश अच्छा वृत्त बाहर अच्छा ता व्यतीत ठीक यहाँ हूँ गोटे तथ्य से तथ्य को आधार करके आम मैंने प्रमाण कर दत्त आम कौन दे दत्त दे गोटे वृत्तर एक स्पर्शक मुदेवी ए बी सी वृत्तर ओ हूँ तार केन्द्र एवं एल हे सरल रेखा हूँ तार स्पर्शक एल स्पर्शक ए बी सी वृत्त को पी बिंदु छेद कै इतनी हूँ आम दत्त हाँ आउ कौन कौन ना ओपी हूँ तार स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध स्पर्श बिंदु को केन्द्र को जोग करदेव प्रमाण कौन कर वृत्तर जो स्पर्शकटा से स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब एति प्रमाण करमको प्रमाण करने प्रामाण्य अंकन आम मैंने कौन करवा ये अंकन रिच्छ आवश्यकता ना ये सीधा प्रमाण को जी देख प्रमाण टी बुझ यो एल सरल रेखा अच्छी ये सरल रेखा भाभी दियो क्यू बोल गोटे बिंदु अच्छी क्यू नामधेय गोटे बिंदु अच्छी क्यूटा पी भिन्न एल सरल रेखा उपरीस्थ जेकोण से एक बिंदु ये टिके आगुर मु तुम मानक कहली जे गोटे वृत्तर गोटे स्पर्श करे स्पर्श बिंदु व्यतीत आउ जेते बिंदु अच्छा से सरल रेखा उपरे सब जाक बिंदु से वृत्तर बहिर्देश रे बहिर्देश माने बाहर रे तेणु से माने बहिस्त बिंदु केवल मात्र से स्पर्श बिंदुटा गोटे मात्र बिंदु जी कि से वृत्त उपरे रहिबो बाकी सब जाक बिंदु वृत्तर बाहर रहिबे ताकू आधार करी आमे कौन करी परिया ना मु जदि ओ गु केन्द्र को आउ वृत्त उपरीस्थ जे कौन से गोटे बिंदु को क्यू को जोग करी ताहले क्यूर प्रत्येक अवस्थान पाई बोली प्रत्येक जगार ओपीडा सब बेले ओ क्यू रु कौन हम छोट हम ठीक अच्छे यहाँ मुझे कहीपरि ओ क्यू मुझे ओ क्यूटे टाणी कौन हम ओपी टू बड़ ही हम मुझे ये ओ क्यूटे टाणी ओपी टू बड़ ही हम इंती जोटे मुझे टाणी कौन हम सब जग क्षेत्र में ओ क्यूटा ओपी टू बड़ ही हम तार तो मुझे कौन जान ली ना ओपी स्पर्शक प्रति यार केन्द्र बिंदु अंकित तो सबुठ छोट रेखाखंड हम अच्छा पे टे मन पका मैंने नवम पढ़ी कौन ना गोटे सरलरेखार एक बहिस्त बिंदु सरलरेखा प्रति जो सब छोट रेखाखंडा आम अंकन करवा जिते रेखाखंड अंकन हो पार प्रति असंख्य किंतु जो सब छोट रेखाखंड जोटा से सरलरेखा प्रति लंब ठीक सेमती वृत्तर केन्द्र रु आमे सरल रेखा प्रति केते गुड़ाए रेखाखंड अंकन करिपरिया किंतु सबुठ छोट रेखाखंड जोटा सेटा से सरल रेखा प्रति हम लंब सबुठ छोट रेखाखंड कोटा कि ओपी बोली आम मैंने जान लें ता अर्थ ओपी एल सरल रेखा प्रति गोटे कौन हम लंब हम ये आमर कौन प्रामाण्य प्रमाणित होगला कारण ओ बिंदु एल रेखा प्रति अंकित रेखाखंड मान ओपी सबुठ छोट
এতি মাত্র এর প্রমাণ কেবল যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ হবো ইয়ার বীজগণিত ভলি আমি যদি এবি ইকুয়াল টু পিসি নেই করুলে এমনি কিছু না তো আমার এটি উপপাদ্য বার প্রমাণ সরলা দেখিবা এর কোণ আমি প্রমেয় কি অনুসিদ্ধান্ত কোণ পাচ্ছেন আগুকু আমি দেখিলে যে গোটে প্রমেয় অছি প্রমেয় আমি কোণ কৌছি আমি যিনি উপপাদ্য একরে পড়ছিলে উপপাদ্য দুই রে তার উল্টাটা আসিলা ঠিক সেমিতি তার উল্টাটা এইটি আমি কৌছি উপপাদ্য বার র উল্টাটা কৌছি আমি বৃত্তর কৌশি বিন্দুরে উক্ত বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ প্রতি অঙ্কিত লম্ব উক্ত বৃত্তর এক স্পর্শক অটে ঠিক ইয়ার যে পূর্ব উপপাদ্যে আমি পড়িলে তার উল্টাটা কোণ কৌছি আমি গোটে বৃত্তরে যেকোনসি গোটে বিন্দু আমি পি বলিকি নিয়ে যা মনে কর কোণসি গোটে বিন্দু নেলে এই বিন্দুকু আমি যদি সেটা গোটে বৃত্ত উপরিস্থ বিন্দু তাকে যদি কেন্দ্র সহিত আমি যোগ করিদেবা আমি কোণ মিলিব গোটে ব্যাসার্ধরে মিলিব সে কৌছি এ ব্যাসার্ধরে পি বিন্দু প্রতি আমি যদি গোটে 90 ডিগ্রিরে সরলরেখাটে অঙ্কন করিবা তাহলে এই যে সরলরেখাটা অঙ্কন হব এই সরলরেখাটা হব বৃত্তর স্পর্শক এতিকি প্রমাণ কর বলিকি আমি কইছি এর প্রমাণ অবশ্য তুমি আবশ্যক নাই কিন্তু সহজ ভাষায় মু কই দেউ বুঝাই দেউছি তোমাকে দেখ এইটা গোটে ব্যাসার্ধ রহিলা ঠিক এ ব্যাসার্ধ প্রতি মু 90 ডিগ্রি অঙ্কন কলে কোণ হল গোটে সরলরেখাটা আসিলা এ সরলরেখা উপরে যেতে বিন্দু এমনি অঙ্কন হয়ে পারে মনে কর কিউ গোটে বিন্দু আমি নেলে ও কিউ আমি মানে অঙ্কন কলে তো এটি দেখ পিলে মানে ও পিটা সবুবেলে কোণ হল ও কিউ টু ছোট হি হল ঠিক আছে যেহেতু ওপিটা মানে এই যে পি বিন্দুটা ও কিউ ও পি ঠু বড় বা ওপি ও কিউ টু ছোট ছোট কহিবার অর্থ এই যে গোটে বিন্দু রহিলা এই বিন্দুটা তার একমাত্র উপরিস্থ বিন্দু মানে বৃত্ত সহিত এই যে সরলরেখা কেবল গোটে হি বিন্দুরে সিয়ে ছেদ করুছি আউ বাকি আমি যেতে অঙ্কন করিবা ইন্দি ও কিউ অঙ্কন করি করি যিবা সবু জাগ ক্ষেত্রে কিউ বিন্দুটা ইয়ার কোণ হয়ে যাব বহিস্থ বিন্দু হি হয়ে যাব বৃত্তর তেণু এই যে বিন্দুটা রহিলা যেহেতু এহা বৃত্ত উপরিস্থ একমাত্র বিন্দু তেণু এ সরলরেখাটা যেহেতু তাকু বৃত্তটাকু কেবল গোটে বিন্দুরে ছেদ করুছি আমি জানিপারলে যে এই যে সরলরেখাটা বৃত্তর হচ্ছে গোটে স্পর্শক কারণ গোটে হি বিন্দুরে ছেদ করুছি ঠিক আছে এবে বুঝিপারলে তাপরে যা উপপাদ্য বার যে আমি পড়লে তার অনুসিদ্ধান্ত কোণ কোণ তা সেই আমি কোণ কোণ অধিক কিছু জাগুক মিলল দেখা অনুসিদ্ধান্ত এক কুচি এক বৃত্তর কৌশি এক স্পর্শকর স্পর্শ বিন্দু ঠারে উক্ত স্পর্শক প্রতি লম্ব কেন্দ্র বিন্দুগামী হব সে কোণ কৌ আছে দেখা এর এক বৃত্তর গোটে বৃত্তটে অইটি গোটে বৃত্ত আমি গোটে বৃত্তটে নেলে হেলা গোটে বৃত্তর গোটে স্পর্শক আউথরে স্পর্শক গোটা অঙ্কন করিয়া পড়িব আচ্ছা এইটি আমি গোটে কোণ করিয়া স্পর্শক গোটে অঙ্কন কলে গোটে মাত্র বিন্দুরে তাকু ছেদ করুছি সে আর গোটে স্পর্শক বিন্দু আসুছি ঠিক আছে এইটি গোটে স্পর্শ বিন্দু আসিলা ইয়ার স্পর্শ বিন্দু তাহলে সে কৌছি যে বৃত্তর কোণসি এক স্পর্শকর স্পর্শ বিন্দু ঠারে এই যে স্পর্শক প্রতি মু যদি গোটে লম্ব অঙ্কন করিবি এ বিন্দুরে রক্ষিকি মু যদি গোটে লম্ব অঙ্কন করিবি তাহলে এই যে লম্বটা এ বৃত্তর কেন্দ্রবিন্দু মধ্য দিয়ে যাব বলি সে কৌছি এত আমি এইটা হচ্ছে অনুসিদ্ধান্ত বা তথ্য কি কোটু এইটা আনি পকাইলা দেখা তো আমি পূর্বর কোণ পড়িলে না গোটে বৃত্তরে গোটে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এটা গোটে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ কেন্দ্রকু স্পর্শ বিন্দু করুথিবা ব্যাসার্ধ সবুবেলে এই যে সরলরেখা স্পর্শক প্রতি কোণ হব লম্ব হব 90 ডিগ্রি হব এবে তার উল্টাটা কৌছি টিকি অলগা ভঙ্গিরে কৌছি প্রমেয় 3.1 রে আমি কোণ কইছিলে কি যে যদি মু এই যে ব্যাসার্ধ পাখরে গোটে 90 ডিগ্রি অঙ্কন করিবি তাহলে সে গোটে স্পর্শক হব এবে উল্টাটা কৌছি কৌছি যদি মু স্পর্শকর স্পর্শ বিন্দুরে গোটে 90 ডিগ্রি অঙ্কন করিবি তাহলে সে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ হব স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ কইনি কোণ কৌছি না সেইটা কেন্দ্র বিন্দুগামী হব কেন্দ্র দেইকি যিব কি স্পর্শ বিন্দুগামী যে ব্যাসার্ধটা আছে সে কোণ কেন্দ্র দেইকি যাইনি কেন্দ্রকু যোগ করনি কেন্দ্রকু যোগ করেছি তেণু এইটা হি তার গোটে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা সি করেছি ভাষা খালি টিকিয়ে বদলাই দিয়েছি তেণু আমি জানলে যে সেটি যদি 90 ডিগ্রি অঙ্কন করি সে সবুলে কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে যাব তাপরে দেখা অনুসিদ্ধান্ত দুই কোণ কৌছি সে কৌছি বৃত্তর যেকোনসি বিন্দু ঠারে গোটিয়ে এবং কেবল গোটিয়ে স্পর্শক অঙ্কিত হয়ে পারিব এই যে বৃত্তটা আছে
या उपरे मो मन इच्छा गोटे बिंदु नेली ए बिंदु पाखे रखी मोर स्पर्शक अंकन करी एठी मु कोन करी अच्छा स्पर्शक अंकन करिया पे कोन आमे करिवा स्पर्शक अंकन करिया पे से केंद्र को आ से स्पर्श बिंदु को जोगो करिगिरी आमे गोटे लंब डे अंकन करिबा लंब अंकन कले आमु को कोन मिल जियो जे सरल रेखा मिलिवो से हबो ए वृत्तर स्पर्शक ठीक ताले से कोची कोन गोटे गोटे वृत्त ऊपर स्थ जे कोन से गोटे बिंदु रे केवल गोटे ही स्पर्शक अंकन हे परिबो इमे काई कि से कोची अच्छा मु जे स्पर्शक अंकन करी मु इ लंब अंकन करी गोटे वृत्त ऊपर गोटे बिंदु रे केतना आमे लंब अंकन करि परिबा केवल मात्र गोटे ही लंब अंकन करि परिया तो से आ कोन कहला भाषा खाली बदले देला से कोची जे गोटे बिंदु रे केवल गोटे ही लंब अंकन हे परिबो बा अन्य भाषा रे गोटे बिंदु रे केवल गोटे मात्र स्पर्श को अंकन हे परिबो किंतु से वृत्त ऊपर जेहेतु असंख्य बिंदु अछंती से असंख्य बिंदु ऊपर देगिरी असंख्य स्पर्शक आमे अंकन करि परिबा एडा होची गोटे तथ्य से कोन कहउची तेनो गोटे वृत्तर असंख्य स्पर्शक रही अछि कारण वृत्त उपरिस्थ असंख्य बिंदु अछि आगु को देखिबा कोन अछि देखो आगु को से कहउची जे गोटे वृत्तर बहिस्थ बिंदुर आमे केमिति स्पर्शक अंकन करि परिया पूर्वे आमे देखिले कोन वृत्तर स्पर्शक अंकन आमे केमिति करथले व्यासार्ध आ स्पर्श बिंदु गोटे काटा को जोग करथले स्पर्श बिंदु को आमे 90 डिग्री काटिके आमे कोन करथले स्पर्शक अंकन करथले एबे देखिबा गोटे वृत्तर बाहर गोटे बिंदु अछि से बिंदुर वृत्त प्रति आमे केमिति स्पर्शक अंकन होइ परिबो सेडा आमे देखिया से कहउची जे गोटे वृत्तर बहिस्थ कौनसी एक बिंदुरु उक्त वृत्त प्रति दुईटी एवं केवल दुईटी स्पर्शक अंकन संभव हो पारिबो अच्छा एडी गोटे वृत्तटे दे दीछि वृत्तर ना किछु गोटे दबा वृत्तर ना दे दबा मन कर एस वृत्त ठीक एस वृत्तर बहिर्देश रे गोटे बिंदु अछि पी बिंदु ताहेले ताको आमे कहबा कि बिंदु बहिस्थ बिंदु ताहेले से कोन कहउछि ए जो पी बिंदुरु मु जदि ए वृत्त प्रति गुडा रश्मि मु टाणी बिम दे टाणी टाणी जिबी ताहेले कोन हबो केवल दीटा ही रश्मि एमिति बाहरिबो जोटा कि ए जो वृत्त को केवल गोटे मात्र बिंदु रे छेद करिवो ए देखो ए दीटा जो रश्मि रहिला केवल ए दीटा रश्मि ही वृत्त को दीटा गोटे गोटे लेखाय बिंदु रे छेद कला आउ बाकी जेते रश्मि भूमि अंकन कली हेले तो से वृत्त को आदौ स्पर्श न करिकि पळेबो से रश्मिटा न हेले वृत्त को दीटा बिंदु रे छेद करिकि से रश्मिटा पळेबो हेला ना केवल दीटा ही रश्मि इमिति बाहरिबो बहिस्थ बिंदुरु जोटा कि वृत्त को केवल गोटे गोटे बिंदु रे ही छेद करिबो तार्थ आमे एठु कोन जानले जो तथ्यटा देछि जे गोटे वृत्तर बहिस्थ गोटे बिंदु गोटे वृत्त प्रति केवल दीटा ही स्पर्शक अंकन हे परिबो एठी आमे दीटा शब्द जानिबा पिला माने देखिया से शब्द दीटा कोन गोटे होछि स्पर्शक रश्मि आमे माने कोन जानिबा स्पर्शक रश्मि कहाकू कहा जाय एटा प्रथम शब्दटा स्पर्शक रश्मि माने गोटे वृत्तर गोटे बहिस्थ बिंदुरु स्पर्श बिंदु दे जाइथिबा रश्मि को स्पर्श बिंदु देगिरी जो रश्मिटा जाइछि से रश्मि को मु कहिबे स्पर्शक रश्मि अच्छा तम माने एबे को ए वृत्तर स्पर्शक रश्मि को दिटा हबो पी बिंदुरु स्पर्श बिंदु प्रति कोन कोन आसी रश्मि ठीक पी एम गोटे रश्मि आसी आ गोटे पी एन गोटे रश्मि आसी तेनु मु ए दिटा रश्मि को कोन कहिबे ए दिटा होछि स्पर्शक रश्मि ठीक आ गोटे शब्द अछि स्पर्शक खंड कोन आ माने देखिबा स्पर्शक खंड जहाँ तार शब्द रु जना पडुछि कोन स्पर्शक रो गोटे खंड डे हेथिबो एई देखो ओ एडी पी एल गोटे कोन हेछि स्पर्शक हेछि ए स्पर्शक रे स्पर्शक खंड आमे काहु कहिबा केवल गोटे वृत्तर बहिस्थ बिंदु एवं स्पर्श बिंदु ताकु जोग करथुवा रेखा खंड को मु कहिबे जे सेडा गोटे स्पर्शक खंड देखो एडी ए वर्तमान चिंता करो बहिस्थ बिंदु हला पी पी रो आमे स्पर्श बिंदु प्रति गोटे कोन कले रेखा खंड डे अंकन कले ए जो रेखा खंड डा को मु कहिबे सेडा होची स्पर्शक खंड ठीक अछि कारण स्पर्शक रो से होची गोटे खंड डा
आउ गोटे तथ्य आम मैंने जानवा पूर्वर मुझे गोटे वृत्तर गोटे स्पर्शक अंकन करी से स्पर्शकर कौन से दर्घ्य आसुन पे कारण से गोटे सरल रेखा थी सरल रेखार के दर्घ्य आसपार दीदी जगह बढ़ी जापर कि स्पर्शक खंडटा देख सीमित हो गला तार आरंभटा रहा कौ पाखे गोटे प्रांत रहा बहिस्थ बिंदु पाखे आउ गोटे प्रांत रहा स्पर्श बिंदु पाखे तेणु स्पर्शक खंडर गोटे निर्दिष्ट दर्घ्य आसपार ठीक अच्छे तेब आम आउ कौन जान लें ना गोटे वृत्तर बहिस्थ बिंदु वृत्त प्रति दीटा ही स्पर्शक अंकन हो पार अर्थ बहिस्थ बिंदु वृत्त प्रति केवल दीटा ही स्पर्शक खंड रीटा स्पर्शक खंड भितर कौन संपर्क रग को आम उपाद्य देखा से संपर्कटा कौन